अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने MATLAB में फंक्शंस डिफाइन करना उसका मतलब उसका फॉर्मेट देखा है, आउटपुट किस तरह रहते हैं, इनपुट आर्गुमेंट्स किस तरह देते हैं, फंक्शन कॉल किस तरह करते हैं, उस सबका फॉर्मेट देखा है, एग्जांपल के थ्रू से समझा है। अब हम थोड़े नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। हमने ये तो देख लिया कि बिल्ट इन फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, मतलब एक नॉर्मल तरीके जिस तरह आप बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करते हैं उस तरह आप बिल्ट इन फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल कर सकते हो, उसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपने एक फंक्शन खुद से बनाया है, वो बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, वो आपका बनाया फंक्शन है, उसे किस तरह कॉल करना है एक दूसरे फंक्शन में, वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन के लिए फाइल बनाते हैं एडिट करके, और अब हम इसका फॉर्मेट के लिहाज से स्टार्ट करते हैं फंक्शन एंड देन फंक्शन का एम एक ही आउटपुट रखते हैं हम, और हम वही रखते हैं जो हमने पहले फंक्शन बनाया था, हमारे रैंडम फंक कर देते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं। इक्वल्स हम इसके नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं वो हम दो ही रखते हैं, बी सी, और हम आउटपुट को रिफाइन करेंगे बिल्कुल पुराने वाले पैटर्न पे, रैंड 2x2 की रैंडम मैट्रिक्स, उसमें मल्टीप्लाई करना है हमें सी से। तो ये फंक्शन अब कंप्लीट है, इसे हमने सेव किया, इसे हमने कॉल किया माय रैंडम फंक, क्योंकि इसमें आउटपुट एक ही है, हम उसे ना भी डिक्लेयर करें तो भी सही। आप देखें उसने बी सी के हमने ये फंक्शन बनाया था, उसने हमें बता दिया कि ये फंक्शन है। हम अब यहाँ पे इनपुट आर्ग्यूमेंट्स देते हैं 2, 3, और हमने इसे एंटर किया तो ये हमारा आंसर आ गया ए मैट्रिक्स जो 2 से 5 तक है, 2 से 5 तक हमें रैंडम नंबर्स देती है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, मतलब मुझे इस फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करना है। ये जो फंक्शन जैसे मैंने फाइल का नेम भी है और जो सबसे पहले मैंने लिखा है, ये फंक्शन मेरा मेन फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर मैं कोई दूसरा फंक्शन बना के कॉल कर सकती हूँ और वो फंक्शन मैं नीचे करूँगी, और वो जो दूसरा फंक्शन होगा उसे हम कहेंगे सब फंक्शन। ये फंक्शन जिसके नेम पर मेरी फाइल का नेम भी है और जो सबसे पहला फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है। जो दूसरे फंक्शन हैं जो इसमें मैं यूज़ करूँगी अब, वो सब फंक्शन है। अब फॉर एग्जाम्पल यही जो स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट एज इट इज मैं किसी और फंक्शन में यूज करूंगी। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जिससे सेक ऑफ के हम समझ जाएं कि सब फंक्शन किस तरह बनाए जाते हैं। मैं लिखती हूँ फंक्शन। अब एक और चीज है, अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन के साथ एंड लिखा है ना, तो मुझे यहाँ पे फंक्शन के साथ एंड लिखना चाहिए, या फिर मुझे किसी को भी नहीं लिखना चाहिए, तो मैं किसी को भी नहीं लिखती। मैं यहाँ पर बस लिख देती हूँ फंक्शन, इसका नेम मैं करती हूँ ए सब कर देते हैं और इसे लिख देते हैं सब फंक, क्योंकि ये मेरा सब फंक्शन। और इसके इनपुट आर्ग्यूमेंट्स मैं बस बी और सी रखती हूँ, क्योंकि मुझे इस स्टेटमेंट को रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ काम कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं सब को डिफाइन कर देती हूँ इस फंक्शन से, इस स्टेटमेंट से, और यहाँ मैंने इसे रिप्लेस कर दिया। अब ये फंक्शन सब बन गया, और यहाँ पे मैंने सब फंक को कॉल कर दिया। अब इस सब से क्या फर्क पड़ा है, सेव करते हैं, देखते हैं इसमें क्या गलतियां हैं, हमें कोई एरर देता है कि नहीं देता है। सब इस तरीके से नहीं है, हमें सिर्फ किसी बात किसी तरीके से कॉल करेंगे। अब देखिए उसने हमें एरर क्या दिया, उसने हमें कहा है कि आपने जब ए फंक्शन को किया है तो आपने सब फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए। ये बिल्कुल वही रीज़न है जिसकी वजह से पहले भी हमारे एरर्स आते थे। मतलब अगर आपने यहाँ पे यूज़ किया, अब देखिए ये फंक्शन मेन फंक्शन है, इसमें आपने उसे कॉल किया, लेकिन फिर भी आपको इनपुट आर्ग्यूमेंट्स का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर आप आगे इनपुट आर्ग्यूमेंट्स नहीं देते, आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पे आपने बी और सी को डिफाइन कर दिया है तो आपको यहाँ पे बी और सी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो गलत है। आपको यहाँ पर भी अपने आर्ग्यूमेंट्स करने, और ज़रूरी नहीं है यहाँ पर इनका नाम मैं बी और सी रखूँ। मैं यहाँ से इसे चेंज कर देती हूँ, मैं इसको डी कर देती हूँ, इसको मैं ई कर देती हूँ, और उस लिहाज से मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ, मैं यहाँ पे ई कर देती हूँ, यहाँ पे डी कर देती हूँ। तो अब तो ये वो चीज़ नहीं रही।
अब बी सी जो है वो अलग है, वो तो यहाँ पे कहीं यूज ही नहीं हो रहे, यहाँ पे तो डी यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे बताना लाजमी है कि यहाँ बी डी को माप कर रहा है तो यहाँ पहले बी होगा, और यहाँ जो सी है वो ई को माप कर रहा है तो यहाँ पे सी होगा। अब ये बिल्कुल ठीक है, अब यहाँ पे मैंने उसे बिल्कुल सही तरीके से कॉल किया इस फंक्शन को। जिस तरह आप कमांड विंडो में फंक्शन को कॉल करते हो, आपको दूसरे फंक्शन में भी उसे उस तरह ही कॉल करना है। अगर आपने इन पर आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल वही रखे, यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स थे, यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स थे, लेकिन आपने उसे बताया नहीं है, इस वजह से एरर आया है। आपने उसे बताना है कि यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट्स हैं। अगर यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, मतलब सेम नंबर्स हैं, लेकिन फिर भी आपको उसे बताना है कि इस फर्स्ट इनपुट को आप इसकी फर्स्ट इनपुट पे मैप कर रहे हो और इसकी इस इनपुट को आप इसकी सेकेंड इनपुट पे मैप कर रहे हो। अब हम इसे सेव करते हैं और अब चेक करते हैं कि आप कोई एरर आता है कि नहीं। देखिए, अब एरर नहीं आया, एक फंक्शन था। अब चूंकि इसमें कोई हमने उस तरह की मिस्टेक नहीं की है, हमने कोई इसमें एरर नहीं रखा। सब फंक्शन बी सी क्या, मतलब हमने कहा कि जो डी है उसकी जगह बी की वैल्यू आए और जो ई है उसकी जगह सी की वैल्यू आए। सबसे पहले उसने बी को 2 रखा, सी को 3 रखा, फिर उसने इस फंक्शन को कॉल किया तो उसने यहाँ पे डी को 2 कर दिया और ई को 3 कर दिया, और फिर उसने ऐसे से सबको कैलकुलेट किया और फिर उसने ए को वैल्यू रिटर्न की और फिर उस तरह उसने हमारे फंक्शन की वैल्यू रिटर्न की। ये मेन फंक्शन है हमारा, ये हमारा सब फंक्शन है। यहाँ पे आप एडिशन भी कर सकते हो, आप कर सकते हो जिस तरह हमने पहले किया था, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू बी माइनस सी। अब चूंकि आपने 2 आ रखे हैं तो आपको यहाँ पे 2 रखना चाहिए। अब ये फंक्शन पूरा है, आप इसे अब यहाँ पे कॉल करो तो कॉल करते वक्त आपको दोनों आउटपुट चाहिए तो आप दोनों आउटपुट रखोगे। ए ही रखते हैं नाम इसका हम, और यहाँ पे हम सब कर देते हैं, सब फ्रैक्शन ही रखते हैं, हम सेम नेम रखते हैं। तो अब देखें, फ्रैक्शन का आंसर -1 है, उसने हमें -1 बता दिया, और ए का आंसर जो है वो ये मैट्रिक्स है। और इसे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं इस चीज़ से, ये ए और है, ये ए और है, क्योंकि ये ए कमांड विंडो में हमने यहाँ उसे फोर्स किया है उसका नाम ए करने का। यहाँ पे जो भी चीज होती, चाहे सब्ट्रैक्शन पहले होता, इस ए में उसकी वैल्यू आ जानी थी। अब हम एक और चीज करते हैं, ये फंक्शन सब फंक्शन जो है इस मेन फंक्शन का, तो हम यहाँ पर डी को कर देते हैं यूज। हम इस फंक्शन के ए वेरिएबल को यहाँ पे यूज करके देखते हैं। अब देखते हैं क्या कहता है हमें मैटलैब, मतलब हमें एरर दिया है। अब देखिए, डी तो था सामने, ये बिल्कुल जैसे हमने पहला किया था, ये बिल्कुल वैसे ही मिस्टेक है, वैसे ही एरर है। डी को हमने यूज़ किया है अपने मेन फंक्शन में, हालांकि सब फंक्शन था ये, उसमें डी वेरिएबल था, लेकिन एक फंक्शन के अंदर, चाहे वो फंक्शन मेन फंक्शन है, चाहे वो फंक्शन सब फंक्शन है, लोकल वेरिएबल्स उसके अलावा यूज नहीं हो सकते। लोकल वेरिएबल का कंसेप्ट ही यही है। अब मैं इस फंक्शन के अंदर, इस सब फंक्शन के अंदर डी के साथ जो मर्जी करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ, वो बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन के अलावा यहाँ कमांड विंडो में डी को करती हूँ यूज़, तो भी एरर है, वो अनडिफाइंड वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ पर, जैसे मैंने इसे यूज़ किया यहाँ पे, तो भी एरर है। चाहे आपने उस मेन फंक्शन के सब फंक्शन में ही उसे उसके वेरिएबल को कॉल किया, लेकिन वो एक लोकल वेरिएबल है, वो सिर्फ अपने फंक्शन में ही यूज़ होगा, बाकी कहीं यूज़ नहीं होगा। हम उसे वापस रिप्लेस कर देते हैं। तो आप वापस कॉल करने से देखें, उसने फिर कोई एरर नहीं दिया। तो इस तरह हम सब फंक्शंस बना सकते हैं, उन्हें कॉल कर सकते हैं, लेकिन उनके वेरिएबल्स जो हैं वो लोकल वेरिएबल्स हैं, वो अलग ही रहेंगे।